आप हैं छेरीलाल जायसवाल जी, आप ग्राम पंचायत रामपुर के प्रधान भी हैं और आप हमारे हिंद 24 टीवी के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारा सौभाग्य है कि मैं इस स्टूडियो में आया हूं, यह हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है और मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इस रामपुर नव सृजित नगर पंचायत के लोगों को और दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और जो है यह आशा करता हूं कि आप लोग यह जो हमारा दीपावली का त्योहार है बड़े ही भाईचारे के साथ मनाएंगे और जो रामपुर जिसके नाम से जाना जाता है उसी का जो है पालन करेंगे और जो है रामपुर जो गंगा जमुना के नाम से जाना जाता है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग भाईचारे के साथ हर त्योहार मनाते हैं, यही आशा विश्वास है कि आप लोग अपनी जो है मिसाल को कायम रखेंगे। प्रधान जी, आप ग्राम पंचायत रामपुर के प्रधान रहे, आपके ही कार्यकाल में रामपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिला, इसमें आपका कितना योगदान रहा और आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप आखिरी प्रधान हैं रामपुर के, इस पे आप क्या विचार करेंगे बताइए। धन्यवाद, यह सवाल आपका बहुत ही सराहनीय है। दरअसल जब मैं रामपुर का ग्राम प्रधान बना, जब मुझे यहाँ के समस्या के बारे में जानकारी हुई तो मैं कई जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया तो हमको यही बात आया कि रामपुर का जब तब तक विकास संभव नहीं है जब तक रामपुर को नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिलेगा। तो मैं उस समय सपा की सरकार थी, मैं माननीय विधायक श्रीमती श्रद्धा यादव जी से मिला और उनसे कहा कि बहन जी आप जो है रामपुर को नगर पंचायत घोषित करवाइए। तो उनका यही सवाल था भैया मैं तो कोशिश करवा दूंगी लेकिन जो आप इतने मेहनत से प्रधान बने हुए इतनी लड़ाई के बाद यह आपकी प्रधानी एक साल के अंदर चली जाएगी और आप समझ लीजिए। तो मैं कहा बहन जी मैं रामपुर वालों के लिए रामपुर के विकास के लिए एक प्रधानी नहीं कई प्रधानियों का कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तब उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया, पूरी फाइल बनी, हर कार्य हुआ लेकिन कुछ कारणवश उस समय रामपुर का दिन नहीं अच्छा था, रामपुर नगर पंचायत नहीं घोषित हो पाया और इसके बाद जब फिर से सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की तो उस समय हमारी माननीय विधायिका जी डॉक्टर लीना तिवारी जी का जो है जो चुनाव जीत कर आई तो मैं जब उनसे मिलने गया तो मेरा पहला सवाल यही था कि जो है विधायिका जी रामपुर के लिए आप कुछ करना चाहती हैं तो सिर्फ हमारे रामपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलवा दीजिए। और उन्होंने वादा किया कि मैं इसके लिए जी जान लगा दूंगी और इसके लिए मैं विधायक जी को धन्यवाद देता हूं अपनी जी तोड़ मेहनत करके। और उन्होंने जो है रामपुर को नगर पंचायत घोषित करवाया, इसके लिए मैं माननीय विधायिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और देता रहूंगा। प्रधान जी, फिर नगर पंचायत चेयरमैन का चुनाव होगा, उसमें आप भावी प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं और सबसे प्रबल और मजबूत दावेदारी आपकी है, जबकि सर्वे में भी रिपोर्ट आ रही है कि आप सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं, फिर आपको यह कैसा महसूस हो रहा है कि नगर पंचायत के चेयरमैन पद पर आप चुनाव लड़ेंगे और क्या आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम जो कि यह नगर पंचायत चेयरमैन होने के बाद बड़ी चुनौती रही नगर पंचायत होगी, विकास से कोसों दूर है, ऐसे में क्या क्या आप सोचे हैं थोड़ा सा बताइए। धन्यवाद। मैं रामपुर के नगर पंचायत के लिए हमेशा संघर्षरत रहूंगा और संघर्ष करता रहूंगा
यहाँ के लोगों के लिए हमेशा मैं जब से मैं कक्षा 7 की उम्र से 12 साल से हर समाज के कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे रामलीला हो, मेला हो, दशहरा हो, दुर्गा पूजा हो, मैं बचपन से ही सामाजिक कार्य में लिप्त हूँ। और जो है मेरा यही है कि हमारा रामपुर विकास के तरफ जो है अग्रसर हो, क्योंकि अभी तक रामपुर में विकास का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अब जब से हम लोग इसमें जो है अपने हिस्सेदारी को मतलब अपने जो है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हर अच्छी बात को बुरी बात को उनके पास पहुंचाता हूं, तब से रामपुर का विकास शुरू हुआ है। और मैं जो है इस रामपुर के लिए और यहाँ के सभी लोगों के लिए, चाहे व्यापारियों का उत्पीड़न हो, चाहे हमारे गरीबों का उत्पीड़न हो, चाहे किसी का सुख दुख हो, मैं हमेशा सेवा करता रहूंगा। और जो है रही बात चुनाव की, तो इसमें भैया जो है चुनाव तो देखिए अभी कौन सा सीट होगा, जो भी अगर हमारे मन मुताबिक सीट हुआ जिसमें मैं लड़ सकता हूं तो मैं लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो है अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं जो है भावी चेयरमैन के रूप में अगर उस समय मुझको जनता ने आशीर्वाद दिया और मुझे अगर विजयी बनाया तो मैं सतत जितना हमसे हो सकेगा मैं उतना करूंगा रामपुर के लिए। और हमेशा हमारी यही आशा है कि हम रामपुर को इतना मतलब विशाल यहाँ इतना विकास करा दूं कि हमारा रामपुर जो राम के नाम से जाना जाता है, उसी राम जैसे अयोध्या में राम राज आया था, उसी प्रकार से हमारे रामपुर में भी राम राज की स्थापना हो। प्रधान जी, क्या चुनाव आप पार्टी से करेंगे या निर्दल से? देखिए भैया, अगर हमको टिकट किसी पार्टी ने दिया तो हम पार्टी से लड़ेंगे, अगर हमें जो मिला टिकट और नहीं अगर मिला तो हम निर्दल लड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अगर जिसके ऊपर जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहता है वही विजयी होता है। और रही बात अगर हमारे भाग्य में नहीं भी होगा तो जो भी आएगा मैं उसको माला पहनाकर उसका स्वागत करूंगा, उसका अभिनंदन करूंगा और उससे कहता रहूंगा भैया आप ही रामपुर का विकास करिए। और अगर हमको जनता ने आशीर्वाद दिया तो जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान के रूप में होती है, मैं जो है उनका हमेशा सेवा करता रहूंगा। और मेरे शरीर में एक एक बूंद का खून का तब तक मैं आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहूंगा और आप लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। प्रधान जी, आप ग्राम प्रधान पद पर रहते हुए रामपुर के लिए क्या किया है, थोड़ा यह भी प्रकाश करिए। सबसे पहले मैं जितने भी रामपुर में पात्र थे सबका मैं राशन कार्ड बनवा दिया हूँ करीब 70%। और मैं कम से कम 100-150-200 जो है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन को बनवाया हूँ। और रामपुर एक तालाब था उस सिरे पे, जब वहां के तालाब को मैं देखा तो एकदम जीर्ण शीर्ण था, उसको मैं प्रधान होने के 2 महीने के अंदर उसमें निर्माण कराया। करीब 5 लाख रुपया मैं अपना निजी धन खर्च किया हूँ, मैं अपने निजी धन से जो है वहां का खर्च करके मैं उस तालाब का सुंदरीकरण कराया हूँ। और फिर मैं ईओ के मतलब अपने नगर पंचायत के ईओ साहब से रोज प्रयास कर रहा हूँ कि साहब इसको आप एक भव्य तालाब बनवाइए, ऐसा तालाब आप जैसे कि देखने को नहीं मिले कहीं पर। और गांव की जनता आपकी कहती है कि प्रधान जी हमारे हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, एक समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं, इस पर आपका क्या प्रकाश है? मैं भाई, यह जनता जो है हमारे लिए एकदम भगवान के समान है, मैं इनका जो है वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। और रही विकास की बात, तो आज रामपुर में कोई ऐसा जो है खड़ंजा नहीं है कि जहाँ पे आने जाने के लिए कोई परेशानी हो, कई जगह हमने इंटरलॉकिंग लगवाया है, कई जगह नया खड़ंजा लगवाया है, ऐसा रामपुर में कोई रास्ता नहीं है जहाँ का मतलब खराब हो। जितना हमको 4 साल का कार्यकाल मिला था, जब से रामपुर आजाद मतलब प्रधानी हुआ है, जितना कार्य नहीं लोगों ने कराया था उतना कार्य मैं 4 साल के अंदर करा दिया, 50-60 नल का रिबोर कराया और जो है खड़ंजा लगवाया, मेरा बंदी करवाया, जितना हमसे हो सका दिन रात मेहनत करके 4 साल के कार्यकाल में जहां तक हुआ हर समस्या का हमने निदान किया है और सबके सुख दुख में मैं पहुंचता हूं। और सबसे यही कहता हूं भैया अगर कोई जरूरत हो तो हमको एक फोन करके देखिए, मैं 10 मिनट के अंदर आपके पास पहुंचूंगा। फिर रामपुर के नगर पंचायत की जनता से आपको क्या उम्मीद है कि नगर पंचायत के चुनाव में जनता आपके साथ
किस ढंग से साथ देगी? एकदम बिल्कुल साथ देगी जनता, सभी जनता और सभी लोग हमसे आग्रह कर रहे हैं भैया आप जो है पगड़ी बांध लीजिए और चुनाव में मैदान में कूद पड़िए, पीछे मत हटिएगा, हम लोग आपके साथ हैं। तो हमारे पास तो भैया कुछ नहीं है, मैं अकेला आदमी हूँ और जो है हमारे पास कोई टीम बहुत बड़ी नहीं है, जो है मैं अकेला हूँ और यही हमारे साथ अपने लोग हैं और जो है इन्हीं के बल पे मैं चुनाव लड़ूंगा और भगवान ने चाहा तो फिर हमें यह कुर्सी मिलेगी और जो है मैं फिर रामपुर को विकास के इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दूंगा कि जहां तक कि कोई कल्पना नहीं किया होगा, हमारी यही सोच है। धन्यवाद प्रधान जी।